एपीएन की विशेष मुहिम में हमारी सहयोगी शैली ने बनारस के भारत माता मंदिर का जायजा लिया। भारत माता मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, फिर भी ये मंदिर देखने हजारों लोग पहुंचते हैं। बनारस में ट्रैफिक का मिजाज लेते लेते मैं पहुंच चुकी हूं इस समय एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में, जो है भारत माता का मंदिर। यहां हम रुके हैं और यहां जानेंगे इस मंदिर की पूरी विशेषताएं और बात करेंगे लोगों से यहां की बारे में। बनारस की गलियों में घूमते घूमते मैं पहुंच चुकी हूं एक बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और ये इसका बनना शुरू हुआ था ये मंदिर 1918 में, पर इसका काम पूरा हुआ 1924 में। 1924 में जब भारत माता का मंदिर बनके तैयार हो गया, पर उसके भी कुछ सालों बाद तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि उसका उद्घाटन करने के लिए 1936 में आए हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही इस मंदिर का उद्घाटन किया था। ये मंदिर बना है एक मकराना मार्बल से और इसमें इसकी एक खास विशेषता है भारत माता के मंदिर की कि ये मंदिर में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत का मानचित्र है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पूरे अखंड भारत का मानचित्र, आप देखिए यहाँ पर। और इस अखंड भारत के मानचित्र के बाद ही ये विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर बना है। इसमें 762 पत्थर मकराना मार्बल लगे हैं और 1 इंच में 2000 फीट के हिसाब से ऊंचाई और समुद्र की गहराई भी दर्शाई गई है और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई है। और ये जो बना है ये ऐसा अखंड भारत पूरे भारत में और कहीं नहीं है। ये काशी में ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमको अखंड भारत का मानचित्र देखने को मिलता है। इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे। 762 मार्बल इस मंदिर में लगे हुए हैं, मकराना मार्बल वो भी। सो आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की मंदिर में जो मकराना मार्बल में छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। बनारस का एक बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध मंदिर भारत माता का मंदिर मैंने आपको घुमाया और उसकी कुछ विशेषताएं भी बताई, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं। सर, भारत माता के मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए आप। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य